सवाल इन्होंने किया भी था कि सब नबियों में तो आप नबूवत विरासत मान रहे हैं कि नबूवत विरासत के तौर पर, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना उनके वालिद नबी हैं ना उनकी औलाद नबी। मैंने जब आयत पढ़ी थी उसमें ज़ुरियत का लफ्ज कहा था, इन्होंने तवज्जो नहीं की। कुरान की आयत ये कह रही है कि नबी का बेटा मुस्तकीम बनाते हैं या नबी का भाई मुस्तकीम बनाते हैं फौरत, या ज़ुरियत में आगे चल के बनाते हैं। आप पूरी आयत पढ़ें, वहबना लो इसहाक व याकूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन कबल व मिन ज़ुरियतिही दाऊद व सुलेमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व कदालिक नजज़ी मुसा। तो इस इत्तेबार से तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहिम के वारिस हैं। व ईसा व इलियास कुल्लु मिन सालिहीन व इस्माईल व यसा व यूनुस व लूता व कुल्लन फज़लना अलल आलमीन व मिन आबाहिम व इख्वानहिम व ज़ुरियातिहिम वजतबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरातिल मुस्तकीम व लक़द अरसलना नूहन व इब्राहीम व जअलना फी ज़ुरियतिहिम नुबुव्वत व किताब फमिन मुअतद। ये ज़ुरियत का लफ्ज़ दोहराया था मैंने, मुफ्ती साहब ने नहीं सुना और बिला वजह का इश्काल किया। हज़रत मैंने लिखा हुआ है भाई, बात यह है कि आप इस्लाम के मुखालिफ जाएंगे तो हम आपसे कहेंगे कि आप कुरान के मुखालिफ जा रहे हैं। ये इस्लाम नहीं है कि आप लोगों से कहें कि रसूल खुदा बल्कि बहुतान है, झूठी हदीस है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको हसन दिए थे, रसूल खुदा ने आपको हुसैन दिए थे। ये निज़ाम इस तरह से नहीं है कि आप जो है इसको बना रहे हैं कि भाई ये सब अल्लाह की तरफ से है। तो भाई अल्लाह ने किसका रास्ता रोका है? अल्लाह ने तो फिरौन का रास्ता नहीं रोका, अल्लाह ने नमरूद का रास्ता नहीं रोका। अच्छा, इन्होंने अल्लाह ने तो उनको भी दौलत दी है।